एक सारस की एक लोमड़ी से मित्रता हो गई। एक बार लोमड़ी ने सारस को भोजन का निमंत्रण दिया। उसने सूप तैयार किया और उसे दो सपाट तश्तरियों में परोस दिया। चलो खाने की शुरुआत करें, लोमड़ी ने सारस से कहा और सूप चाटना शुरू कर दिया। बड़ा मजेदार है ना? सूप चाटते चाटते वह बोली। सारस ने सूप की सुगंध ली, उसके मुंह में पानी आ गया, पर सूप की एक बूंद भी उसके मुंह तक नहीं पहुंची। उसकी चोंच लंबी थी और तश्तरी सपाट थी। उसे पता चल गया कि धूर्त लोमड़ी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन सारस चुप रहा। वो देखता रहा, लोमड़ी सूप चट कर गई। कुछ दिनों के बाद सारस ने लोमड़ी को भोजन का निमंत्रण दिया। वो लोमड़ी को अपने यहाँ ले गया। उसने भी स्वादिष्ट सूप बनाया। संकरे मुंह वाली दो सुराहियों में सूप परोसकर सारस ने कहा, चलो शुरू करें खाना। उसने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाल दी। सारस आराम से सूप पी रहा था। सूप पीते पीते उसने लोमड़ी से कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट सूप कभी नहीं चखा था। इसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है, शर्म मत करो, जी भर कर खाओ। पर लोमड़ी सूप का जरा भी स्वाद नहीं ले पाई। सुराही का गला बहुत तंग था, सूप तक उसका मुंह पहुंच ही नहीं पाया। उसे बड़ा दैख हुआ। लोमड़ी समझ गई कि उसने सारस के साथ जो शरारत की थी, उसी का ये फल उसे भुगतना पड़ रहा है।